दोस्तों, हेल्दी रहने के लिए आजकल लोग तरह तरह के फल, सब्जियां, जूसेस या फिर सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एक जूस आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है वीट ग्रास। वीट ग्रास को लोग बहुत ज़्यादा फायदेमंद समझ रहे हैं। आजकल तरह तरह के ठेले लग रहे हैं वीट ग्रास जूस के स्पेशली, क्योंकि इसके दावे बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कैंसर के लिए भी ये फायदेमंद माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसे पीने से रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाइए। दोस्तों, वीट ग्रास को हिंदी में गेहूं के ज्वारे से बने जूस भी कहा जाता है। ये जब छोटा छोटा होता है, अंकुरित होता है, जैसे ग्रास जैसा ही होता है, तभी इसे काट लिया जाता है और इसे जूस बनाया जाता है, उसी जूस को पिया जाता है। आजकल सप्लीमेंट के रूप में भी यह आ रहा है, इसे सुखा कर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। सबसे अच्छा इसका फ़ायदा है एनीमिया के लिए। जिन लोगों की बॉडी में रेड ब्लड सेल कम होते हैं, उनके लिए यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि इसमें मिनरल, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि अनीमिया रोग से निजात दिलाती है। क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है और हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, तो ये दोनों ही क्रोमोप्रोटीन है। इसी वजह से यह RBC बनाने में फ़ायदा देता है और आपकी खून की मात्रा को बढ़ाता है बॉडी में। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हो, वज़न कम करने में भी ये फ़ायदा देता है। एक तो इसमें कैलोरीज नहीं होती, दूसरा इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि बॉडी से वसा को कम करते हैं। और एक रिसर्च में भी पाया गया है कि यंग वीट ग्रास या फिर अन्य क्लोरोफिल प्लांट वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो यह पूरी बॉडी के लिए सही नहीं रहता। एक तो आपके हार्ट के लिए सही नहीं रहता और आपके सेहत के लिए भी सही नहीं रहता। तो चलिए बात करें कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो यह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है। ये एक चूहों के ऊपर रिसर्च की गई है जिसमें पाया गया है कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से अगर उन्हें वीट ग्रास दिया जाए तो वीट ग्रास जूस से गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल बॉडी से बाहर निकल जाता है और आप स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, यह एलर्जी को कम करने का भी फ़ायदा देता है। कुछ लोगों को नाक की एलर्जी हो जाती है, तो नाक की एलर्जी के लिए यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो आपको एलर्जी से बचाता है। दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में बताया कि यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल अगर कम होगा तो आपका BP भी सही रहेगा। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। अगर आपका BP हाई रहता है तो BP को कम करने में या सामान्य करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, असमय सफ़ेद हो रहे हैं, तो इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वह बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आपके बालों के लिए। तो अगर आप अपने बालों के लिए इसका सेवन करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। यह बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, कई मामलों में वीट ग्रास को कैंसर के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं वह शरीर की गंदगी को साफ करते हैं और जिसके साथ ही कैंसर सेल भी जो पनप रहे हैं या फिर बन रहे हैं उन्हें भी कम करता है और आपकी बॉडी को बचाता है कैंसर से। अगर आपका पाचन क्रिया ठीक नहीं है तो इसमें कई ऐसे एंजाइम पाए गए हैं जो कि आपके पाचन क्रिया को ठीक करता है। तो दोस्तों, इतने ज़्यादा फायदे हैं वीट ग्रास जूस के। तो अब हम बात करते हैं वीट ग्रास जूस कैसे सेवन करना चाहिए। वीट ग्रास को आप घर में भी उगा सकते हैं। इसके कई तरह के ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। उसका आप सीधे ही जूस भी पी सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं पी सकते, थोड़ा नींबू और थोड़ा शहद मिलाकर भी पी सकते हैं। अगर आप किसी और जूस ऐसे के फ्रूट जूस के साथ मिक्स करके पीना चाहते हैं वैसे भी पी सकते हैं। वैसे इसके पाउडर के पैक भी आते हैं, आप वो भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा प्रभावी नहीं होते जितना कि ताज़ा चीज़ होती है। और ये कब पीना चाहिए? यह सुबह खाली पेट पीना चाहिए। जब भी आप सुबह उठें तो सबसे पहले वीट ग्रास जूस का ही सेवन करें, तभी आपको ये ज़्यादा फ़ायदा देगा। रोज़ 100 से 200 ml तक पीजिए। एक महीना पी के देखिए, आपको फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं वीट ग्रास जूस के नुकसान। दोस्तों, वीट ग्रास जूस के कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। जिन्हें गेहूं से एलर्जी है उन्हें वीट ग्रास से भी एलर्जी हो सकती है। अधिक मात्रा में पीने से जी मचल सकता है या फिर वीट ग्रास जूस ज़्यादा पीने से भी कुछ लोगों को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता और उल्टी की तरह मन होने लगता है। गर्भवती महिलाओं को भी डॉक्टर की सलाह से ही पीना चाहिए और इसकी मात्रा कम से ही आपको शुरू करना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं पीना चाहिए। तो ये था वीट ग्रास के बारे में। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।